नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अच्छे ग्रुप आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब यहाँ पे पठान रिलीज हुई थी तो यहाँ पे यश राज प्रोडक्शन ने भी भैया इस मूवी का प्रमोशन स्टार्ट नहीं किया था। सबसे पहले जो है वो जो फैन क्लब्स हैं SRK के जो फैन क्लब्स हैं उन्होंने यहाँ पे भैया पठान को प्रमोट किया था। और आज आपको पता होना चाहिए कि पठान इंडिया की नंबर 1 मूवी बन चुकी है, जिसने यहाँ पे भैया वर्ल्ड वाइड 1050 करोड़ रुपए का माइलस्टोन अचीव किया है। और यहाँ पे बाहुबली 2 और KGF 2 को पछाड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के अंदर नंबर 1 के ऊपर आ चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया जवान क्या कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी से आपको पता होना चाहिए कि जवान को रिलीज होने में एक बहुत बड़ा टाइम बाकी है, लेकिन अभी से इस मूवी का जो ग्राउंड लेवल क्रेज है वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी से इस मूवी की जो प्रमोशंस है वो यहाँ पे SRK फैन क्लब्स के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रक्षों के ऊपर पोस्टर लग रहे हैं, बसों के ऊपर यहाँ पे पोस्टर लग रहे हैं, और यहाँ तक भी भाई जो कतर के अंदर T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, यहाँ पे जो मैचेस चल रही है, जो यहाँ पे क्रिकेट मैचेस चल रही है, उसके अंदर भी यहाँ पे भैया जवान को प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जवान का क्रेज कितना ज्यादा है। पठान कुछ भी नहीं थी, इस मूवी के अंदर जो दम है और जितनी खबरें निकल के आ रही है, मैं कुछ भी यहाँ पे जो है वो रिवील नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे जवान को लेके खबरें निकल आ रही है, ये मूवी आग है। इडली कुमार की डायरेक्शन के अंदर बनने वाली मूवी, जिसके अंदर भैया साउथ के एक्टर्स होंगे और यहाँ पे साउथ का जो मसाला होगा उसके साथ बॉलीवुड का एक्टर होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी क्या करने वाली है। बाकी यहाँ पे इस मूवी को लेके ये भी खबरें आने वाली है कि भैया इस मूवी को इंग्लिश के अंदर भी रिलीज किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भाई ये मूवी ओवरसीज के अंदर बहुत बड़ा कमाल करने में कामयाब हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जितना रेस्पॉन्स पठान को मिला है उसको देखने के बाद ये चीज तो प्रूव हो चुकी है कि भैया SRK की फैन फॉलोइंग ओवरसीज में बहुत ही ज्यादा है, और शायद इसी वजह से यहां पे जवान को इंग्लिश में डब किया जा रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, जो यहां पे SRK फैन क्लब से और जिस तरीके से मेहनत चल रही है जवान को लेके, क्या लगता है और कितना आपका क्रेज है इस मूवी को लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यहां पे भैया जवान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा हमें। हरे कृष्णा।